हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग अपने जीवन का आनंद ले रहे होंगे। कभी भी किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले उसकी डीप एनालिसिस करें एंड उसके बाद ही उसके अंदर निवेश करें। अभी हम जिस शेयर की एनालिसिस करेंगे वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। एंड ये जो है बहुत ही दिनों से, लगभग फरवरी से अभी तक इस रेंज में कंसॉलिडेट हो रहा था। देखिए, फरवरी से लेके अभी तक इस रेंज में, लगभग इसको हो गए हैं 8 महीने से इसी रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था, और आज के दिन इसको ब्रेकआउट मिल गया है। आज के दिन इस रेंज से इसका ब्रेकआउट मिल चुका है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ये इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, अगर इसका लो देखेंगे तो 1375 है एंड इसका हाई ऑलमोस्ट 1500 के आसपास है। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे कल का देखते हैं क्लोजिंग कहाँ पे होता है। कल का दिन जब क्लोज होगा तो ये वीकली टाइम फ्रेम का ये जो कैंडल है इसकी भी क्लोजिंग हो जाएगी। अगर स्ट्रांग क्लोज होता है, ठीक है, अगर इसका बहुत ही स्ट्रांग क्लोज होता है 1525 के आसपास, अगर इसका क्लोजिंग होता है तो आने वाले समय में इसमें ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम हाई मतलब इसने लगा रखा है पहले 1670 का। ठीक है, तो इसमें अभी का जो टारगेट होगा वो इस रेंज का डब ऊपर होगा। ठीक है, जो ये रेंज है लगभग 1200 रुपये से लेके 1200 से लेके 1530, मतलब यहाँ से लगभग ये 350 का 350 का रेंज बना रखा है 300 का। तो इसके ऊपर अगर प्लॉट करते हैं तो यहाँ से नेक्स्ट 300 मतलब 1800 तक का यहाँ से टारगेट निकल के आ रहा है, और ये शेयर है 1490 का, तो यहाँ से लगभग 20% का हम लोग को प्रॉफिट ऊपर देखने को मिल सकता है। जैसा कि अगर ये इस वीक का कल का क्लोजिंग अगर 1525 के आसपास देता है, तो अभी हम इसमें क्या कर सकते हैं उसके लिए, और इसकी मैंने एनालिसिस की थी लगभग अगस्त 24 का, उसका एक क्लिप मैं आपको प्ले करके बताता हूँ। जो क्लोज किया है, ठीक है, आने वाले समय में अगर इसने ये जो कैंडल फॉर्म हो रहा है, ये ग्रीन कैंडल समझिए फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब जिसकी क्लोजिंग अप्रोक्स 1300 के ऊपर हो, ठीक है, या फिर 1300 के आसपास हो, तो हम क्या कर सकते हैं उस स्थिति में, उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, हम इस शेयर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, दैट इज अ साइन ऑफ इसमें बायर्स एंट्री कर रहा है। ठीक है, 1 डे के टाइम फ्रेम में हम अभी चले जाते हैं, तो अभी हमें अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये इस रेंज में फंसा हुआ है। ठीक है, और ये जब रेंज का किसी भी तरफ या ऊपर की साइड या नीचे की साइड जब ब्रेकआउट देगा तो इसका डबल टारगेट होगा। ठीक है, यहाँ पे 1250 रुपये से लेके ये अप्रॉक्स 1550 नहीं बोलेंगे, 1550 चलिए समझ लीजिए, तो लगभग 300, ठीक है, 300 रुपये का ये यहाँ पे रेंज बना है। अगर नीचे भी जाता है, ठीक है, तो ये लगभग 600 का यहाँ पे टारगेट होगा, तो 1250 से 6 मतलब 900 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर जाता है तो ऊपर में भी वैसे ही 600 रुपये, तो 5 अच्छा 2100 का टारगेट आ रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, वेट एंड वॉच करना है। ठीक है, आज तो उस समय मैंने आपको ये शेयर दिया था एंट्री लेने के लिए, लगभग इस कैंडल के आसपास था उस समय, ये कैंडल की फॉर्मेशन हो रही थी, इस वीक का क्लोजिंग नहीं हुआ था। तो ये जब वीक ग्रीन में जब क्लोज हुआ था, ठीक है, तब तो मैंने एंट्री लिया था और मैंने एंट्री एग्जिट कर दी थी, फिर से मैंने एंट्री यहाँ पे कहीं पे लिया था। ठीक है, तो अभी इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है इस शेयर ने, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, डेली टाइम फ्रेम पे जाके देख लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं तो दिखता है कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, आज के कैंडल ने बहुत ही अच्छा खासा क्लोजिंग यहाँ पे दिया है। तो अगर आपको इसमें लॉन्ग जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, इस कैंडल के नीचे, ठीक है, स्टॉप लॉस लगा के मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाऊंगा, 1438-37 का स्टॉप लॉस लगाऊंगा, और मैं इसमें वेट करूंगा कि कभी ऊपर के प्रॉफिट के लिए। ठीक है, कल के दिन मुझे सिर्फ वेट करना है इसमें, कल के दिन मैं जब मार्केट ओपन होगा, ओपन होके जब ये हाई क्रॉस कर रहा होगा 1500 का, ठीक है, उस समय मैं अपनी पोजीशन बनाऊंगा, और बहुत ही कम क्वांटिटी में, अभी मैं लगभग 25 से 30% क्वांटिटी में इसमें पोजीशन बनाऊंगा। नो डाउट यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है, लेकिन यहाँ पे ये जो कैंडल है, ठीक है, ऑल टाइम हाई जो है, एक बार ये जब ब्रेक हो जाए 1530, ठीक है, तो ज़्यादा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इसीलिए अभी मैं 25% क्वांटिटी में ही सिर्फ पोजीशन बनाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस 1437 रहेगा, और मेरा जो यहाँ से टारगेट रहेगा वो रहेगा 1800-1300 के आसपास। ठीक है, बाकी का क्वांटिटी जब यहाँ पे ये ऊपर जाके एक बार, यहाँ से ऊपर अगर ये निकलता है, ऊपर जाने के बाद रीटेस्ट करके फिर से ऐसे निकलता है, तो बाकी का जो भी क्वांटिटी मेरा बचा है 70%, वो सब में मैं पोजीशन ऐड करूँगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं वेट करूँगा, अभी थोड़े कम क्वांटिटी में यहाँ पे पोजीशन बनाऊँगा, और आने वाले समय में फुल क्वांटिटी इसमें छोड़ूंगा। एक बार यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल मेरा ऊपर हो जाएगा, जब ये 1528 क्रॉस करके यहाँ पे थोड़ा सा अगर रेंज बनाता है तो वेल एंड गुड है, और नहीं बनाता है और रीटेस्ट करता है तो भी सही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगभग 7 से 8 महीने का ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो ब्रेकआउट है, ठीक है, यहाँ पे बहुत से ही बायर्स सेलर्स का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा 1530 के आसपास। ठीक है, 1530-1535 के आसपास बहुत से सेलर्स का स्टॉप लॉस होगा। अगर ये एक बार टच भी करता है 1530-1535, तो बहुत तेजी से ऊपर निकलेगा, क्योंकि जितने लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा वो सब सेल क्वांटिटी बाई क्वांटिटी में चेंज हो जाएंगे, और जो यहाँ पे बायर्स हैं, फ्रेश बायर्स तो बाई कर ही रहे होंगे,
तो बहुत तेजी से ये शेयर निकलेगा, ठीक है। तो आने वाले समय में इसमें 1600 तो बहुत ही जल्दी देखने को मिल सकता है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, एंट्री बनाने के बारे में सोच सकते हैं अपनी एनालिसिस करके। हमेशा एक जो भी आपने डिसाइड किया है, जितना भी आपको रिस्क लेना है उतना ही रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए एक ट्रेड में, क्योंकि बहुत ढेर सारे शेयर हैं। अगर 10 ट्रेड से अगर हमें 5 ट्रेड में पैसे नहीं मिलते और 5 में मिलते हैं तो भी एट लास्ट हम घर पे पैसे लेके जाएंगे, लेकिन आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा। और रिस्क मैनेज करने के लिए जितने भी आपने रिस्क डिसाइड कर रखा है पर ट्रेड उतना ही लीजिए, उससे ज़्यादा मत लीजिए। उससे कम लेंगे चलेगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। तो इस बात का ध्यान दें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको यहाँ पे आने वाले समय में ऐसे ही वीडियो मिले जहाँ की स्टॉप लॉस छोटा हो, ब्रेकआउट दे रहा हो शेयर, या फिर सपोर्ट से ऊपर की ओर निकल रहा हो, जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने यहाँ पे किया था। अगर वो वीडियो देखे किसी ने एनालिसिस करके इसमें पोजीशन बनाई होगी तो ऑलरेडी वो 300 पॉइंट्स अभी प्रॉफिट में होगा। नो डाउट यहाँ पे टाइम लगा है, लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 महीने लग गए हैं, लेकिन अभी 300 प्रॉफिट में होगा, जो कि होता है इसका लगभग 15 to 20%। तो बहुत ही अच्छी बात है, और अभी भी इसी स्टॉप लॉस के साथ ये ऊपर की ओर वो होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने इसमें पहले कहीं भी पोजीशन बना के रखी है तो होल्ड करके रखिए, और आने वाले समय में, क्योंकि इसमें 1800 लेवल आपको देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।